पहले मैच में 8 विकेट से और दूसरा 5 विकेट से हारने के बाद श्रीलंका 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज तो हार गई है, बट क्या व्हाइट वॉश होने से बच सकती है? भाई फिलहाल तो ये इम्पॉसिबल साउंड करता है, बट एटलीस्ट टीम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकती है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों आज के प्री मैच एनालिसिस में हम कवर करेंगे इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले थर्ड और फाइनल T20 इंटरनेशनल मैच को जो खेला जाएगा 26 जून को शाम 7 बजे से। अब लास्ट दो मैचेस को कंसीडर करें तो इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 के साथ एक्सपेरिमेंट करता दिखा है, वेल चेंजेस के बाद भी इनका बैटिंग लाइनअप बेहद स्ट्रांग नजर आता है। ऑन द अदर हैंड लंकन्स डेफिनेटली हैव द कैलिबर टू डू बेटर, बट नो ऑफेंस श्रीलंका टीम दूर दूर तक इंग्लैंड का लेवल मैच नहीं करती है, फिर चाहे वो बैटिंग हो या बोलिंग। खैर मूविंग ऑन टू आवर एनालिसिस, बात करें वेन्यू की तो गाइज नाउ दैट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज ओवर ये T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा द रोज बाउल साउथहैम्पटन में। तो भाई लोग क्या वेन्यू चेंज होने से श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस में कोई चेंज देखा जाएगा? लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ इस वेन्यू पर अभी तक खेले गए T20 मैचेस के रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए तो टोटल 8 मैचेस खेले जा चुके हैं जहां पहले बैटिंग करने वाली टीम और रन चेस करने वाली टीम दोनों ही 4-4 बार मैचेस जीती हैं। सो स्टैट्स के अकॉर्डिंग तो टॉस की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, बट लास्ट दो मैचेस सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं तो इस लिहाज से कैप्टन्स रन चेस करना पसंद करेंगे। एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करने वाली टीम का रहा है अराउंड 166 रन, हाईएस्ट स्कोर रहा है 6 विकेट पर 248 रन ऑस्ट्रेलिया के नाम, और ऑस्ट्रेलिया के नाम ही कोइंसिडेंटली 10 विकेट पर 79 रन का लोएस्ट स्कोर भी रिकॉर्डेड है। अब ट्रैक चाहे जितना भी हाई स्कोरिंग हो, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है देन इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश बॉलर्स। प्लस यहाँ वेदर फोरकास्ट की माने तो चांसेस ऑफ रेन प्रिडिक्टेड हैं और ऐसे में गेम DLS की भेंट चढ़ सकता है। और फटाफट से टीम्स पर भी गौर फरमा लेते हैं। बात करें मेजबान टीम इंग्लैंड की तो भाई लोग लास्ट मैच में क्रिस वोक्स और जॉस बटलर को रेस्ट दिया गया था। वेल टीम कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो कुछ वीक लिंक्स देखने को जरूर मिले हैं। दाविद मलन दो मैचेस में मात्र 11 रन बना पाए हैं विच इज अ कंसर्न, प्लस जॉनी बेस्टो सस्ते में पवेलियन लौटे थे जिसके चलते टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है जहां पावर प्ले में 3 विकेट्स गिरे हैं। कप्तान इयन मॉर्गन 11 रन बनाकर उड़ाना का शिकार हुए थे। सैम करन की बल्लेबाजी एज यूजुअल देखने दिखाने लायक रही है, ऑल्दो इट वाज अ कैमियो, बट 200 के स्ट्राइक रेट से 16 रन बनाना वाज फैबुलस, और ऐसे में इनका बैटिंग लाइनअप लंका के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। वेल इस थर्ड मैच में मोइन अली और टॉम करन को भी प्लेइंग 11 में इंक्लूड करा जा सकता है। रही बात इनके बॉलिंग अटैक की तो आदिल राशिद और मार्क वुड ने कंसिस्टेंटली उम्दा गेंदबाजी करी है, साथ ही डेविड वीली ने भी इंप्रेस किया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो टीम सॉर्टेड है एंड वी होप टॉप ऑर्डर एक बार फिर शानदार परफॉर्म करेगा। अब गौर करें चैलेंजर श्रीलंका पर तो दोस्तों फर्स्ट एनकाउंटर के कंपैरिजन में सेकंड T20 मैच बल्लेबाजी के लिहाज से बेहद खराब रहा था, जहां ऐसे फॉर्मेट में टीम की फर्स्ट बाउंड्री 8th ओवर में आ रही है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि लंका इंग्लैंड को किसी भी तरह से चैलेंज कर सकती है? टॉप ऑर्डर में कुशल परेरा और कुशल मेंडिस के अलावा कोई भी बल्लेबाज सेकेंड डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाया था। टेलेंडर्स की ओर से इसरू उडाना 19 रन बनाने में सक्सेसफुल रहे थे, बट टीम डेफिनेटली चेंजेस कर सकती है अपने इस मैच में एंड वी होप ये एक्सपेरिमेंट टीम के रिजल्ट में बदलाव लाए। रही बात इनके बॉलिंग अटैक की तो यहाँ थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हसरंगा बैक टू बैक उम्दा गेंदबाजी करते दिखे हैं जहाँ इस मैच में 2 विकेट्स भी इनके नाम रहे हैं। इसरू उडाना और बिनूरा फर्नांडो दोनों ने लाइन एंड लेंथ मेंटेन रखी है, सो ये एक एरिया है जहाँ टीम कमाल दिखा सकती है, बट अकेला धनंजय वंस अगेन 11 की इकोनॉमी के साथ महंगे साबित हुए हैं एंड वंस अगेन हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस देख सकते हैं। इस लास्ट T20 मैच में दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर भी गौर फरमा लेते हैं। इंग्लैंड की ओर से ये मैच खेल सकते हैं जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, दाविद मलन, ऑयन मॉर्गन, लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद और मार्क वुड। वहीं श्रीलंका की ओर से खेल सकते हैं डनुस्का गुनातिलाका, अविष्का फर्नांडो, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, निरोशान डिगवेला, दशुन सनाका, वनिंडू हसरंगा, इसरू उडाना, अकेला धनंजय, दुश्मन था चमीरा और बिनूरा फर्नांडो।
तो दोस्तों यहां पे हमने कवर किया है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच को, जहां नो डाउट इंग्लैंड ये मैच जीतकर श्रीलंका पर व्हाइट वॉश करने वाली है। बट ये बात ध्यान देने वाली है कि श्रीलंका का बॉलिंग अटैक पहले से बेहतर हुआ है और ये टीम के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है इस होने वाले मैच में। आपके अकॉर्डिंग क्या ये मैच श्रीलंका के पक्ष में जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।